हे गाइस, वेलकम बैक टू डायनेमिक कोडिंग। मेरा नाम योगेश सिंह है और आज की इस वीडियो में हम अपने एंट्री बॉक्स पे कुछ मेथड अप्लाई करेंगे जिससे मैं इसका डेटा को फेच कर सकता हूँ और डेटा इंसर्ट कर सकता हूँ। ओके, सो जो भी काम होगा मेरा, ये एक फंक्शन के थ्रू होगा। तो पहले फंक्शन को मैं क्रिएट कर लेता हूँ, एक UNC नाम दे देता हूँ इसका, ठीक है। और फिलहाल के लिए इसमें कुछ काम नहीं कर रहा था, सिर्फ पास। सो ये फंक्शन है, लेकिन फंक्शन को टीक इंटर के अंदर मुझे अगर कॉल करना है तो उसके लिए मुझे एक बटन यूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं एक बटन भी क्रिएट करूँगा, बटन रूट पे हो, इसका टेक्स्ट भी बटन ही ले लेते हैं। कमांड है इसकी UNC btn.p, पैक। इसके अंदर पैडिंग दे देता हूँ थोड़ी, पैड वाई इक्वल टू 10। ओके, सो अगर मैं इसको रन करूँ, क्या एरर दिया इसने, ओके यहाँ एरर आ गया, मैंने यहाँ टेक्स्ट लिखना भूल गया, सॉरी। रन किया मैंने इसको, तो मेरा एक बटन क्रिएट हो गया छोटा सा। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ और जो भी डेटा हो मेरा इस एंट्री बॉक्स के अंदर, वो डेटा मेरे को रिटर्न हो जाए। तो वो काम करवा के लिए मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा जो होगा मेरा, मैं पहले डेटा प्रिंट करवा लेता हूँ। प्रिंट डबल कोट्स के अंदर कुछ टैब दे देता हूँ मैं, ओके कॉमा। अब जो फंक्शन यूज़ करूँगा वो होगा मेरा entry.get। ओके, entry.get मेथड का यूज़ किया जाता है जो भी एंट्री के अंदर जो डेटा आया है उसको फेच करने के लिए। ओके, तो जब मैं इसे रन कराऊंगा, अपना अपनी स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ कि दिख जाए आउटपुट। मैंने यहाँ डाल दिया हेलो, जैसे मैं बटन पे क्लिक करूँगा हेलो मेरा प्रिंट हो गया। तो ये फ़ायदा होता है गेट मेथड का कि वो यूज़ किया जाता है डेटा को गेट करने के लिए। और सेम एक मेथड होता है सेट मेथड, तो सेट मेथड का काम भी सेम ही होता है, लेकिन गेट का सॉरी सेट मेथड का काम ये होता है कि ऑलरेडी कुछ डेटा को उसके अंदर सेट कर देना। एंट्री डॉट सेट, सेट के अंदर मैं डेटा डाला, लेट्स सपोज हेलो हेलो, इस वाले को मैं काट देता हूँ। रन किया, मे बी ये एरर दे सकता है, ओके एरर दिया इसने। सो ये क्या होता है, ये एरर दे रहा है एंट्री ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट सेट। सो ये कभी कभार चल जाता है, कभी कभार नहीं चलता, लेकिन अब इसको चलाने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा एक नई चीज़ जो है मेरा एक टेक्स्ट वेरिएबल। ओके, तो टेक्स्ट वेरिएबल क्रिएट करता हूँ मैं इक्वल टू स्ट्रिंग वेर। टेक्स्ट वेरिएबल एक तरह का नॉर्मल वेरिएबल ही होता है जो टीक इंटर में यूज़ किया जाता है। बट इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो भी मैं चेंजेस लाना चाहूँ अपने किसी भी वेरिएबल विजिट के अंदर, लेबल हो या बटन हो या एंट्री बॉक्स हो या टेक्स्ट बॉक्स हो, मैं इस टेक्स्ट वेरिएबल की मदद से उनके अंदर चेंज ला सकता हूँ। तो जैसे मैंने अभी यूज़ किया था एंट्री डॉट सेट, सेम मैं तरीका यूज़ करूँगा। कंट्रोल सी किया, कॉपी कर रखा मैंने डॉट सेट। अब पता कैसे चलेगा ये टेक्स्ट वेरिएबल इस एंट्री बॉक्स का है? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा जो है टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल टू वेर। ओके, सो यहाँ जैसे ही टेक्स्ट वेरिएबल का यूज़ मैं करता हूँ सेट करने के लिए, एक बार रन करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हो हेलो पहले से यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये बटन पे क्लिक करूँगा तो हेलो प्रिंट भी होगा। सो अब मुझे क्या करना है, यहाँ एंट्री की जगह मैं यहाँ सीधा वेर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये वेरिएबल मेरा डेटा को सेट करने और डेटा को गेट करने दोनों काम में यूज़ किया जा सकता है। बिल्ड किया आउटपुट स्क्रीन, हेलो ऑलरेडी था, मैंने वर्ड लिख देता हूँ। रन किया, बटन पे क्लिक किया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो ये है मेरा गेट मेथड और सेट मेथड। अब क्या करते हैं, कुछ और मेथड पे बात करते हैं। अब था कि मैंने डेटा सेट तो कर दिया, अब मुझे डेटा को इंसर्ट करना है। सेट और इंसर्ट में डिफरेंस ये होगा कि सेट में क्या होगा, जो डेटा होगा उसके एंड में ही ये इंसर्ट कर देगा। जैसे मैं अगर दिखाऊं, इसको मैं कॉपी करता हूं, अगर
कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक बार रन करा के देखते हैं बिल्ड। तो मैंने यहाँ लिख दिया, कुछ भी लिख दिया और बटन पे क्लिक किया, तो देख सकते हो कि पहले वाला डेटा हट के यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि वेयर डॉट सेट की वैल्यू क्या थी? हेलो। सो अब मैं कह जाता हूँ कि एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे ही मेरा डेटा इंसर्ट हो या सेट हो, तो उसके लिए मैं एक मेथड यूज़ करूँगा जो होगा मेरा इंसर्ट मेथड। ये इंसर्ट मेथड की बात ये होती है कि ये सिर्फ एंट्री के नाम के साथ यूज़ होगा, जो भी मैंने इंस्टेंस बनाया है इसका उसके साथ ही मैं यूज़ कर सकता हूँ, टेक्स्ट वेरिएबल के साथ यूज़ नहीं कर सकता, वो अच्छे से एक एरर दे देगा। सो इंसर्ट को कैसे यूज़ करेंगे? तो एंट्री डॉट इंसर्ट। अब इंसर्ट सेट से क्यों डिफरेंस है, अलग है? क्योंकि इसमें मुझे फ़ायदा होता है इंडेक्स डालना होता है, फ़ायदा क्या होता है, इंडेक्स डालना होता है। सो कौन से इंडेक्स पे मुझे वैल्यू डालनी है और क्या वैल्यू डालनी है, स्ट्रिंग लिखना था यार, क्या स्ट्रिंग डालनी है और कौन से इंडेक्स पे डालनी है। तो मैं इसे रन कराता हूँ बिल्ड, तो देख सकते हो स्ट्रिंग जो वेरिएबल था, वो सॉरी वैल्यू थी मेरी, उसके अंदर जीरो इंडेक्स पे आ चुकी है। सेम अगर मैं इसको कॉपी करूँ कंट्रोल सी और यहाँ लेके जाके कंट्रोल वी, लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो डेटा इंसर्ट हो वो आखिर में इंसर्ट हो, जितना भी मेरा डेटा हो उसके एंड में। तो यहाँ यूज़ करूँगा एक वेरिएबल या कमांड कह सकते हैं, एंड पैरामीटर का यूज़ किया, रन किया, यहाँ स्ट्रिंग ऑलरेडी था, बटन पे क्लिक किया तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग, क्यों? क्योंकि मैंने स्ट्रिंग ही पास किया इस वजह से। तो इंसर्ट से तो मैंने डेटा इंसर्ट करा लिया, अब बात है डेटा डिलीट कैसे करूँगा। मैं इसको भी हटा देता हूँ। तो डिलीट करने के लिए भी सेम कमांड है जैसे डेटा को इंसर्ट करने का था, एंट्री डॉट डिलीट। ओके, डिलीट भी सेम एंट्री जैसे इंडेक्स लेता है कि कहाँ से चालू करना है और कहाँ पे एंड करना है। लेट्स सपोज मैंने 0, एंड लिखता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ 0 इंडेक्स से लेके एंड इंडेक्स, जो आखिरी इंडेक्स है वहाँ तक की जितनी वैल्यू है उसे डिलीट कर दो। मैंने बिल्ड पे क्लिक किया, यहाँ मैं डालता हूँ GUI के अंदर हेलो एंड मेरी वेलकम। ओके, बटन पे क्लिक किया, पूरा डेटा गायब हो गया। सो ये फ़ायदा होता है डिलीट का कि वो 0 इंडेक्स से लेके मतलब जहाँ तक मैं उसके अंदर वैल्यू पास करूँगा वहीं तक का डेटा ये डिलीट करेगा। ओके, यहाँ अगर मैं डाल देता हूँ 3, रन किया, यहाँ मैं हेलो डाला, रन किया, तो तीसरे इंडेक्स तक का डेटा उड़ गया, उसके बाद जितना बचा वो दिख रहा है हमें। तो ये डिलीट का फ़ायदा होता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं एंट्री बॉक्स के ऑब्जेक्ट का या इंस्टेंस का यूज़ किया डिलीट करने के लिए, वैसे ही मैं वेयर वैली टेक्स्ट वेरिएबल का भी यूज़ कर सकता हूँ। ये एक जुगाड़ है वैसे तो, वेयर दैट डॉट सेट उसके अंदर कुछ नहीं पास करूँगा तो क्या करेगा, जितना डेटा होगा उसको गायब कर देगा, साथ ही साथ जो मेरा टेक्स्ट वेरिएबल का थे अंदर का डेटा होगा उसको भी हटा देगा। मैंने कुछ भी टाइप किया, बटन पर क्लिक किया, पूरा टेक्स्ट वेरिएबल सॉरी एंट्री बॉक्स मेरा खाली हो गया। तो इस तरीके से भी मैं डेटा को डिलीट कर सकता हूँ। सो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नई चीज़ें देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल, बाय।